तो हेलो नमस्कार, मैं हूँ आचार्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है टेक विद आचार्या और आज मेरे पास है पोटोनिक्स का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हारमोनिक्स ट्विंस S16, जो कि इस तरह की पैकिंग अंदर है। आइए इसे अनबॉक्स करूंगा, इसके फीचर के बारे में बताऊंगा, साउंड क्वालिटी किस तरह की है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में वीडियो आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हम लोग देख पाओ। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये आज का हमारा मेन प्रोडक्ट प्रोटोनिक्स कंपनी का ईयरबड्स हारमोनिक्स ट्विंस S16, जो कि इस तरह की पैकिंग के अंदर है। ये 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर आता है, ब्लैक, ग्रीन एंड अपना ब्लू। आज मेरे पास है ब्लैक कलर। तो गाइस कंपनी हमेशा करती है म्यूजिक मोड, इसके अंदर गेमिंग मोड है और जो इसका बॉक्स है वो प्रॉपर क्लियर केस के अंदर आता है। अगर फीचर की बात करें, कॉमन फिट बर्ड्स इसके अंदर, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है, 10 mm के ड्राइवर्स है इसके अंदर, 24 आवर्स का प्ले टाइम का कंपनी क्लेम करती है, चार्जिंग पोर्ट है और डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर। और MRP की बात करें, MRP आती है तकरीबन 1,999 रुपये, 1 साल की वारंटी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है इंडिया। तो गाइस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ है और अभी काफ़ी टाइम से कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है जो मेड इन इंडिया है, तो इसी सीरीज का ये भी प्रोडक्ट है। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट किस तरह का है। तो गाइस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले आता है इसका इस तरह का एक अपर रैपर, इसको साइड में रखते हैं। यह आता है हमारे ईयरबड्स इस पॉलीपैक के अंदर, फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। बात करते हैं एक्सेसरी कंपनी क्या दे रही है। और एक्सेसरीज में है अपना एक केबल जो USB-C टाइप केबल है, जिससे ईयरबड को चार्ज कर सकते हो। और साथ में आते हैं कुछ ईयर कैप जो 3 साइज में होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ में आता है इधर मेरे यहाँ इसके फीचर दे रखे हैं, इसके ऑप्शन के बारे में बता रखा है, इसको पढ़ के आप इसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में आता है एक अपना वारंटी कार्ड, जहाँ ऑनलाइन आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो फिर सब रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। और जो प्रोडक्ट आता है कुछ तरह की पैकिंग के अंदर, यहाँ निकाल लेते हैं और ऊपर एक रैपर है, इसको निकाल लेते हैं एक बार। और देखिए ईयरबड आता है कुछ तरह के लुक के अंदर, और लुक काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट लुक है। और ये देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे कुछ तरह की क्वालिटी के अंदर, ऊपर देखा ट्रांसपेरेंट केस और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की ब्रांडिंग विद लोगो और नीचे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसने लिखा आप मैंने ट्विंस S16 और इसके बारे में दे रखे हैं, यहाँ पर आपका मैनुफेक्चरिंग डेट दे रखी है। तो प्रोडक्ट आता है कुछ तरह के लुक के अंदर, आप देखते हो यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट लुक है और फ्रंट में से आपका ईयरबड विजुअल हो रहा है। और इस साइड में प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग विद लोगो जो काफ़ी अच्छे लगे देखने के अंदर। और यहाँ पर है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, जहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो आप। तो फिर इसकी कैप को ओपन करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट किस तरह का है। कैप ओपन कर दी हमने और यहाँ तो ईयरबड छोटे से, काफ़ी छोटे से, कॉम्पैक्ट से हैं। और ईयरबड्स की क्वालिटी इस तरह की देख सकते हो, यहाँ पर ईयरबड आते कुछ तरह के लुक के अंदर, काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, काफ़ी छोटे से हैं। और यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने स्टार्ट हो चुकी है, जो देखते हो यहाँ पर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी ये कनेक्टिव मोड पे आ चुका है। फिलहाल इसको बॉक्स में डालते हैं वापस। और जो कंपनी बताती है कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, तो देखते हैं कैसा डिस्प्ले इसका। तो गाइस ये देख सकते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ के इस पर डिस्प्ले ऑन हो चुका है। आप देखते हो यहाँ पर 49% इसकी चार्जिंग दिखा रहा है और ऊपर से आपका ईयरबड शो हो रहा है, साथ में चार्जिंग शो हो रही है कि कितना पावर उसके अंदर बचा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ईयरबड्स हमारा। तो फ्लैश को कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ, चेक करते हैं साउंड क्वालिटी किस तरह की है और क्या क्या फीचर आते हैं उसके बारे में बात करते हैं आगे। तो गाइस हमारे ईयरबड्स कनेक्ट हो चुके हमारे फ़ोन के साथ, अब साउंड क्वालिटी चेक करते हैं किस तरह की है इसकी। तो गाइस साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा है, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है इसकी। और यहाँ पर टच सेंसर नहीं है, बटन है, आप जब बटन को प्रेस करोगे तो आपका म्यूज़िक प्ले ऑफ कर सकते हो इसके सिंगल क्लिक से। तो फिलहाल हम चेक करते हैं, साउंड क्वालिटी तो अच्छी है और फिलहाल और फीचर जो है इसके अंदर उसके बारे में वीडियो आगे बात करते हैं। और यहाँ लगा लेते हैं अपना जो माइक है, इसके साथ स्पीकर रख देते हैं इसके पास और इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराते हैं, साउंड क्वालिटी किस तरह की आती है। तो सुन सकते हो साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाउड काफ़ी है और बेस वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जिसमें कंपनी बताती है गेमिंग, तो गाइस अदर फीचर के बारे में बात करते हैं, क्या क्या फीचर आते हैं जिससे कंपनी क्लेम करती है कि आप इसमें म्यूजिक मोड लगा सकते हो, गेमिंग मोड लगा सकते हो, इसमें वॉइस गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी तरह के फीचर्स हैं जो हमें बात करते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं फीचर के बारे में, फीचर्स में काफ़ी अच्छे रखे कंपनी ने। और सिंगल क्लिक से कॉल पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हो और डबल क्लिक से गाने को नेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। अगर 3 बार क्लिक करते हो ईयरबड्स के ऊपर तो आप मोड चेंज कर सकते हो, या गेमिंग मोड या म्यूजिक मोड को भी लेके आ सकते हो। और साथ में अगर इसे लॉन्ग प्रेस करते हो कुछ सेकंड के लिए तो आप इसे गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन कर सकते हो, उसके थ्रू कमांड देके आप अपने ऐप को ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एक माइक के पास रख लेता हूँ और एक मेरे हाथ में है। तो गाने का सिंगल क्लिक करते हो उसके ऊपर तो गाने को प्ले कर सकते हो, और अगर सिंगल क्लिक दोबारा करते हैं उसके ऊपर तो गाने को पॉज कर सकते हो। अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर 1 2 तो गाना चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट गाने पर जा सकते हो। और दोबारा प्रेस करता हूँ उसके ऊपर 1 2 तो गाना फिर चेंज हो चुका है।
अगर इसी में अगर तीन बार क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, 1 2 3, देखिए गेमिंग मोड के ऊपर आ चुका है, म्यूजिक मोड के ऊपर चेंज हो चुका है। अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप देखते हो यहाँ पर, तो देखिए गूगल वॉइस ऑन हो चुका है। हेलो गूगल, प्लीज ओपन व्हाट्सएप। तो देखिए व्हाट्सएप ओपन हो चुका है यहाँ पर हमारा, अभी देख सकते हो। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ उसके ऊपर, हेलो गूगल प्लीज ओपन यूट्यूब। ये देखिए यूट्यूब ओपन हो चुका है। तो काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना। आप नॉर्मली इसको सिंगल कैसे गाने को पॉज प्ले कर सकते हो, डबल कैसे गाने को नेक्स्ट प्ले कर सकते हो, तीन बार क्लिक करते हो तो मोड चेंज कर सकते हो, जो कंपनी ने बता रखे हैं गेम मोड म्यूजिक मोड में इसको चेंज कर सकते हो। और साथ में अगर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करते हो ईयरबड्स लेफ्ट एंड राइट किसी के ऊपर भी, तो गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है, उसके थ्रू आप कमांड देके अपने ऐप को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये था हमारे ईयरबड्स हार्मोनी ट्विन्स S16। आई होप कि आपको अच्छा लगा। और इसका ऑनलाइन प्राइस तकरीबन 850-900 रुपये के आसपास है, बाकी उस टाइम क्या स्कीम चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, आप मार्केट से भी इसको ले सकते हो। तो आई होप कि आपको आज वीडियो अच्छा लगा। अगर आपसे लेना चाहते हैं तो बेस्ट वेलिंग डिस्काउंट डाल दो, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और दी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।